बच्चों, आज हम इस सवाल पर बात करेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आधुनिक काल तो आप जानते हैं कि सन 1900 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल आरंभ होता है, और आधुनिक काल के आरंभ होने की प्रक्रिया में दो जो महत्वपूर्ण पत्रिका हैं वो हैं कवि वचन सुधा और सरस्वती। ये याद रखिएगा कि आधुनिक काल का चरण जहाँ से आरंभ हुआ, जहाँ से ये परिवर्तन आरंभ हुआ, वहाँ पे दो पत्रिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण थी, कवि वचन सुधा और सरस्वती। जहाँ तक भारतेंदु जी के रचनाकाल की बात है तो ये है समय 1850 से लेकर 1885, यानी कुल 35 वर्ष। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवन अवधि बहुत ही कम रही, बहुत ही कम आयु में इनकी मृत्यु हो गई, पर इन्होंने कम उम्र में भी हिंदी साहित्य को काफ़ी समृद्धि प्रदान की। हम बात कर रहे थे कि क्यों इन्हें आधुनिक काल का जनक यानी प्रमुख व्यक्ति जिससे आरंभ हुआ हो आधुनिक काल ये कहा जाता है। आप याद कीजिए कि आधुनिक काल के पहले क्या था, रीतिकाल। और आप सभी जानते हैं कि रीतिकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण भावना थी वो थी प्रेम, श्रृंगार, तो अलंकार और चमत्कार। पर इसके बाद, रीतिकाल के बाद, कवियों को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ और भी विषय हैं जो समाज के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। उस वक्त तक हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम हो चुका था और बहुत ज़रूरी था कि हम अपनी जनता को प्रेम और श्रृंगार के अलावा भी कुछ और सोचने के लिए प्रेरित करें, और इसी दिशा में प्रयास था आधुनिक काल के साहित्य का आना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये देखा कि रीतिकाल में जो कवि थे, जो रचनाकार थे, वो क्या थे, वो राजा के आश्रय में, राजा के सहयोग से पलते थे, उनकी जीविका चलती थी और वो राजा के ही गुणगान में कविताएं लिखते थे। बहुत ज़्यादा हुआ तो मनोरंजन की बात के लिए वो प्रेम, संयोग, श्रृंगार, इसी तरह की विषय पर बात करते थे, रचना लिखते थे। देश को अब समाज सुधारक कवि की, समाज सुधारक लेखक की आवश्यकता थी। आधुनिक काल आते आते समाज में कुछ कुरीतियाँ थी, कुछ बुराइयाँ थी, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, स्त्री के प्रति भेदभाव की बात, ये सारी चीज़ें थी जिस पर बात करनी बहुत ही ज़रूरी थी, और ये बात आरंभ हुई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के आने से। इनका आना हिंदी साहित्य के लिए वरदान साबित हुआ और एक ऐसा लगा जैसे कोई ताज़ी हवा आ रही है। अभी तक हम सिर्फ श्रृंगार, प्रेम जैसे बिल्कुल ही एक रस वाली बात करते आ रहे थे जिसका समाज के लिए कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं था, पर जब भारतेंदु आए तब उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के लिए, समाज के भले के लिए, समाज के सुधार के लिए बातों को करना आवश्यक माना, और इनकी प्रेरणा से इस समय के और भी जो रचनाकार थे वो सभी भी इसी तरह की रचनाएं लिखने लगे। और रीतिकालीन प्रवृत्ति पूरी तरह से नहीं छूटी, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई, अभी भी श्रृंगार की रचनाएं लिखी जा रही थी, पर अब श्रृंगार की रचनाएं लिखने के लिए हम राधा कृष्ण का नाम ले रहे थे। हम प्रेम की बात करने के लिए पहले भक्ति की बात करते, पहले हम राधा और कृष्ण को लाते और उनके माध्यम से थोड़ी बहुत प्रेम की बातें भी हो रही थी। तो समाज सुधारक, प्रचारक, कुरीतियों पर बात करना, उसका विरोध करना, मिथ्याचार पर का विरोध करना और पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करना, ये सारी बातें अब आधुनिक काल में आरंभ हो गई। साथ ही इस समय के जो कवि थे वो जनता पर, जो शासक वर्ग था, अंग्रेज आ चुके थे, उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की कि अब रचनाओं के माध्यम से भारत के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, मातृभूमि के प्रति प्रेम की बात भी करनी होगी ताकि हम अंग्रेज़ों से अपने देश को बचा सकें। तो ये एक नई धारा, एक नई हवा, एक नया विषय समाज के बीच आने लगा जो था देश प्रेम। साथ ही ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इस तरह के समाज की स्थापना हुई जिन्होंने समाज की रीढ़ को मजबूत करने की कोशिश की, जिसने समाज को एक स्वच्छ दिशा और समृद्ध सोच देने की कोशिश की। और ये सारी घटनाएं, ये सारा घटनाक्रम भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन के पश्चात ही आरंभ हुआ। स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार किया जाने लगा, बाल विवाह को रोकने की प्रयास की गई, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया। साथ ही ये कहा गया कि भारतेंदु युग में जो नवीन विषय हैं, जो नए विषय हैं जिस पर पहले कभी बात नहीं की गई है, उन विषयों पर बात की जाए। सिर्फ भारतेंदु हरिश्चंद्र ही नहीं थे, इस काल में बद्री नारायण चौधरी थे,
अंबिका दत्त व्यास थे, ठाकुर जगमोहन जी थे और राधा कृष्ण दत्त जी, इस तरह के भी कुछ रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ थे। पर चूँकि आधुनिक काल में कुछ नए विषय, कुछ नई प्रवृत्तियाँ, समाज सुधार की बात, ये सारी बातें आगे आई और ये सारी बातों को आगे लाने वाले कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसलिए निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के जनक थे, प्रणेता थे। धन्यवाद।